सो यस फ्रेंड्स, वी आर गोइंग। तो कहाँ हम जा रहे हैं वो आगे आपको व्लॉग में पता चल जाएगा, लेकिन ये बताइएगा कि बैंगल्स आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई इनका कलर और इनका डिज़ाइन। और फ्रेंड्स देखिए, ये तो सभी को मतलब याद होगा, बचपन में हमने बहुत सारी ऐसी लिपस्टिक खरीदते थे। और देखिए, ये यहाँ से साइड में इसके ये ऊपर नीचे करने वाला ऑप्शन भी होता था, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक लेकर आए थे तो मैंने इसका व्लॉग भी बना लिया। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिद्दीकी फैमिली व्लॉग्स में। सो यस, आप मुझे देखने की मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि हम लोग कहीं पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताऊँगी आपको। हम लोग जा रहे हैं, एक मेरे भाई हैं, उनकी आज उनका रिसेप्शन है, तो उन्होंने मुझे अपनी बारात में बुलाया था शादी में, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। तो अब उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम ज़रूर आना आज रिसेप्शन में, तो हम बस वहीं जा रहे हैं। तो उसी के लिए बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो यार, उनसे पहले आपसे नहीं मिली क्योंकि बहुत सारा तामझाम था, बहुत सारी चीज़ें थी, और आज दशहरा है और आज ही उनकी रिसेप्शन पार्टी भी है। सो बस हम जा रहे हैं अभी, और मैं दिखाती हूँ आपको कि सब लोग कैसे कैसे रेडी हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी सिद्रा, इन्होंने पहना है पोंचू वाला सूट, जो एक क्या काफ्तान कहेंगे इसको, इसने ये पहना है सिद्रा ने, पिछले सिद्रा रिफ्लेक्शन वाला लाइट का। हाँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहना है सिद्रा ने, अच्छी लग रही सिद्रा माशाल्लाह। सिद्रा तेरे पास हील नहीं है? हाँ हील पहनती ना, इस पर हील अच्छी लगेगी, हील पहनती, कोई बात नहीं, तो अच्छी लगेगी हील इस पर, ये सूट ऐसा है ना, इस पर हील अच्छी लगेगी, है ना, चल अच्छी लगेगी। कौन सी नानी अम्मी ने, क्या कहा नानी अम्मी ने, क्या बोला बेटे? ओ मेरा गुड्डा। नानी अम्मी आपकी गलत बात है, आपने क्यों डांटा मेरे पप्पू को? चलो छुप जाओ। देखिए ये अरुषा रेडी हो चुकी है और ये खुद से ही तैयार हुई आज। मैंने ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। दिखाओ अपनी पूरी ड्रेस, ये देखिए फ्रेंड्स, कमेंट में बताओ मेकअप मेरा कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और ये रही सिद्रा आपी। सिद्रा के साथ मैंने मिला दिया। सिद्रा आप अपने बाल स्ट्रेट करें। चलो स्टार्ट तो कर लो, मशीन तो लगा लो। मशीन लगा दो पहले। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह सिद्रा के बाल कितने अच्छे हैं, बड़े बड़े। अरे मेरे तो तुमसे ज्यादा टूटते हैं ऐसे, मेरे भी ऐसे मुट्ठा भर भर के आते हैं हाथ। अरे अभी स्टार्ट तो होने दो, उसको गर्म होने दे पहले। और यहाँ पर थोड़ा सा अपना क्लिप भी ले लेते हैं बीच बीच में अपने ही लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेसिंग करी थी, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बाल पूरे बिखरे बिखरे हो गए, जैसे उसके होते हैं ना एकदम, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं बहुत ज्यादा। सब वैसे लग रहे हैं। सही हो चल, लेकिन आपने चल लगा दे, ये क्लिप लगा दे बालों में, मुझसे नहीं आता सॉरी। ये वाला क्लिप अच्छा लगेगा, है ना, वाइट इसमें मैच हो जाएगा। और ये हील पहननी है, ये वाली हील अच्छी लग रही है, मैंने कहा था ना पहले ये वाली हील अच्छी लगेंगी। रोशनी भी इतनी कम हो गई, लाइट निकाल दी बुशरा ने ये वाले, अब बिल्कुल रोशनी नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आज ये वाला आउटफिट डाला है, देखो ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन जो कि मेरी अपनी बिल्कुल क्यूट सी लग रही डॉल। हाँ, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था लेकिन मैं इसको पहन नहीं पाई थी क्योंकि कोई ऐसा मौका ही नहीं पड़ रहा था, और भी दूसरे कपड़े तो उन्हीं के बाद, अब मैंने सोचा आज मैं यही पहन लेती हूँ। देखो कैसी लग रही है, ये तैयार हो गई है मैडम। और ये तो तैयार हो गई, इनके शीशे ही नहीं छूट रहे, शीशे टूट जाएंगे आज। मुझे अच्छा लगता है मुझे शीशे में देखने में अपने आप को। तो मेरा आज लुक कैसा लग रहा है मैं बताऊं? पंजाबन। आप हमारी मम्मा नहीं, आप पंजाबन मम्मा हो हमारी। चलो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कुड़ी बहुत सोनी लगती। सिद्रा से मैरपेंट लगा रही है। चलो देखो कितना गंद मचा दिया पूरा, कहीं जा रहे हैं तो इसको मतलब सारे में फैला कर जाएंगे, देखो मजा। अब चलो फटाफट जल्दी से आओ नीचे। अब मुझे क्या पता गुड्डू,
क्या कौन सी पिन? सेफ्टी पिन, दुपट्टा पिन अपनी करना है मैंने, कोई मैं ऐसी थोड़ी जाऊंगी सब मैं तैयार होगी बिल्कुल निकलने के लिए। अब हम जा रहे हैं और ये सब भी देखिए इनका अभी फोटो सेशन हो रहा है इन लोगों का। ये देखो क्या है, पता नहीं लड़कियों का तो ये चलता ही रहता है। गाइस मम्मा का न्यू कवर दिखा चुके हम लोग, याद मेरे दिलाया आपको। एंड फ्रेंड्स वी आर ऑन द वे। दशहरे की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और इस ट्रैफिक के बाद ये थोड़ा सा साफ रोड दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद आगे जाकर हम बहुत ज़्यादा फंस गए थे। रुको एक मिनट, पीछे नोट करो, मम्मा वीडियो बना रही है। वो रेस की दिवाली से ध्यान मम्मा नजर बना लेता। सो फ्रेंड्स आ गए हैं हम लोग यहाँ पर और अभी कुछ गेस्ट नहीं आए हैं, अभी भी हम वेट कर रहे हैं बस हम लोग। ये देखिए आप कैसी शादी है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह क्या रिसेप्शन है, शायद मैं आएंगे तो ज़रूर कहूँगी भाई कैसा रिसेप्शन है कि आपके गेस्ट ही नहीं आए यहाँ पर। सच में पता नहीं, शायद भूल गए क्योंकि 15 दिन बाद आपने रिसेप्शन रखा है तो भूलेंगे ही ना 15 दिन। हाँ भाई की शादी को आई थिंक 15 मतलब 12 to 15 days हो चुके हैं। देखिए रुषा को रील्स की शौकीन हो गई। अब गेस्ट आने शुरू हो गए, शुरू रहती है हमेशा हर जगह है ना। तो फ्रेंड्स ये ढूंढने गई थी वॉशरूम, इनको आते ही गर्ल्स वाली जो होती है वॉशरूम चाहिए होता है, बट वॉशरूम में लॉक लगा था। ठीक है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी।
फ्रेंड्स अब कुछ कुछ इतना खाना खाया था, मैंने प्लेट भी बिल्कुल क्लीन कर दी है, जैसे ना वॉश करते हैं ऐसे करती हूँ। सिगरा ने भी देखो दो दो की है, सिगरा ने जीप से चाहती है सिगरा ने इतना खाया, सिगरा ने प्लेट भी ऐसे कर दी बिल्कुल वॉश। आज इधर आंखी भूख लग रही थी। सो फ्रेंड्स शादी हो गई है, हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया और अब हम जा रहे हैं घर। और देखिए रात का टाइम और बिल्कुल सुनसान और इतना बढ़िया मौसम और ठंडी ठंडी हवाएं, बस बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और देखिए ये रहा सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज पे जब भी आप आओगे तो आपको रात का नज़ारा एक अलग ही दिखेगा, बहुत अडोरेबल होता है, तो आप आइएगा ज़रूर। और बहुत मज़ा आता है यहाँ पर, लाइटिंग है यहाँ पर और ये केबल के जो ये बड़े बड़े तार दिख रहे हैं आपको, बहुत अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स बस ये रहा हमारा एक व्लॉग, एक शानदार सा व्लॉग, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने शादी में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में। मतलब एक एक चीज़ वहाँ की एकदम परफेक्ट थी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। बहुत टाइम लंबे टाइम बाद, एक गैप के बाद हम शादी में गए किसी के यहाँ पर, तो देखा आपने दुल्हन कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमने आपने भी हमारे साथ में इन्जॉय किया होगा, आई होप सो। तो आपने कितना इन्जॉय किया ये भी बताइएगा, व्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो मत करिएगा। सो बस मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। सो तब तक बने रहिए मेरे साथ और खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। तुम्हें कैसा लगा? मुझे ठंड लग रही है। नहीं शादी में, शादी में बहुत मजा आया, एंजॉय किया, लेकिन थकान भी थी। तेरा कैसा लगा शादी में बताया, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ। बहुत मजा आया। बड़ा बहुत है उन्होंने, फिर वहां पर बहुत दिखाया उन्होंने, चीला भी लो, हालत खराब कर दी है, चीला लेके आओ, गोलगप्पे लेके आओ, गोलगप्पे मैंने खिलाए थे, मेरी याद तो बुझ रहा, अगर तू चीला नहीं खिलाती तो यार हमें चीला नहीं मिलता, गोलगप्पे मैंने खिलाए थे, मैंने चीला नहीं मिलना था, हमें तो इतना, मैंने बहुत इंजॉय किया है। सो आप देख सकते हैं व्लॉग में कि मैंने कितना इंजॉय किया। देखो इन्हें, सुनो सुनो, ये मेरे फोन से इरिटेट हो गए थे तीनों, तो देखो जब मेरी फ्रेंड का फोन था, मेरी जान का था, अब मैं उसको अटेंड करती, सुधा से बात कर रही थी मैं, तो ऑब्वियसली मुझे उससे बात करनी थी। सो आप बताइए मेरे, ये इसने मैं इतना परेशान किया, इतना फोन आपने व्लॉग में देखा हो, इसके पूरा टाइम इसके कान पे। सुनो लिसन, अगर जब कोई हमसे डिस्कस करता है अपने बारे में तो हमें उसमें मतलब इंटरेस्ट लेकर हमें बात करनी चाहिए, यानी हम उसको इग्नोर करें। अब आप बताइए ये मेरे ऐसे करती है, कोई बंदा हमसे बात कर रहा है, इधर देखो पहले कितना इरिटेट किया इसने। सिद्धरा आप सच बताओ, सिद्धरा झूठ नहीं बोल, सिद्धरा तो फिर जाएगी, क्या इरिटेट किया मैंने? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सिद्धरा की गलत बात है सिद्धरा, जब हम जब भी आए बाहर से, जब ये अंदर फोन पे बात करती रहती, तो जब ये बताओ मैंने बात फोन तो नहीं किया यार, फोन हो रही है, डिबेट थी, चल रही थी, बहुत जरूरी डिस्कस चल रहा था हमारा, पागल समझाने के लिए। देखो इन्हें मजा तो क्यों आया पर, क्योंकि हमें, हम दोनों ने लाकर दी, दोनों को इन्हें मजा, इसलिए हमारे पैरों में दर्द हुआ। यार अगर हम, थैंक यू सिद्धरा आरुषा यार, तुमने बहुत बहुत हेल्प की है हमारी, मतलब मैं बता दे आपको खाने में हेल्प, हाँ खाने का ही। अब बच्चे हैं, बच्चों ने इतना सारा, बेचारों ने जितना इनसे बना इन्होंने ला ला कर हमें खिला ही दिया, और मेरा पप्पू तो इतना रोया जाने के लिए, बहुत ही ज्यादा।